চার্জশিটত মুখ্যমন্ত্রী দুর্নীতি নিবারক শাখার চার্জশিটত নাম থকা সকলক শীঘ্রে গ্রেপ্তারের সম্ভাবনা প্রকট। নিউজ হেডলাইন্স আগবহালে মাইথন ডিএমটি 600 নির্মাণের মানদণ্ড। नमस्कार बातरीले स्वागतम स्टुडियोत मा गीताश्री बिदं खबर ल आगबारिसु अहम प्रथम हदाय आरो सिरोदिन ए मूल मन्त्रे विकल्प आंचलिक दल गठनर कुसकावाज आरंभ करिसे हदो अहम छात्र हंथारु एजेवाईसीपीए विकल्प आंचलिकतावादी राजनैतिक दल गठनर लक्ष्यरे दुजनिया आहपाय कमिटीक दायित्व अर्पण करा होइसे बहंत डेका आरो डाक्टर कृष्ण गोपाल भट्टाचार्यक मूल आहपायकर दायित्व दिया होइसे आनहाते परामर्शदाता कमिटीए दाखिल करा प्रतिवेदनर राजनैतिक प्रस्ताव राजहुआ करिले आसुए पिसत राजहुआ करिबो प्रतिवेदनत थका शैक्षिक सामाजिक अर्थनैतिक प्रस्ताव पुनर्बार जनाइसु कि राजहुआ करा होइसे आवेयकक दायित्व दिया होइसे आनहाते परामर्शदाता कमिटीखने दाखिल करा प्रतिवेदनर राजनैतिक प्रस्ताव राजहुआ करिसे आसुए पिसत राजहुआ करा हबो प्रतिवेदनत थका शैक्षिक सामाजिक अर्थनैतिक प्रस्ताव आसु सिरोदिन अराजनैतिक होइ थाकिबो बुली घोषणा करिले दीपांक कुमार नाथे जी राजनैतिक विषय ये राजनैतिक दिख कमिटीए एट प्रस्ताव आग बढ़ा से प्रस्ताव अनुसरी छात्र संथा युवा छात्र परषदे विकल्प आंचलिकतवदी गणतान्रिक राजनैतिक दल गठन प्रक्रिया आसलते घोषणा कर जी प्रयोजनता यू आग लार प्रयोजनतार कथा ये परामर्शदाता कमिटीए अति स्पष्ट रूप उल्लेख कर राजनैतिक दिश तक चाली जारि चाय विभिन्न धरण विषय उत्थन कर विशेषक विगत समय जी क्षमता केन्द्रिक आपोसर राजनीतिर जुगेद जतियों स्वार्थ जलांजलि दिया जी एट क्षमता केन्द्रिक आपोसकामी दर्शन विपरीते जनगणक एक प्रगतिशील राजनैतिक आंचलिक राजनैतिक जाते आम आगे लो जा जो समाधान बट ऊल जो आम जातिसत्ता सुरक्षित भावे आम जी रख पारो आग बढ़ा लै जा पारो तार कारण शक्तिशाली भावे इतना पोषकता करिसे तार लगे लगे जातीयतावाद आदर्श आपोसविहीन आंचलिक राजनैतिक एटा आंदोलन एटा संग्राम रूप आग लगे पोषकता करिसे जो विभिन्न खिलंजिया जातिसत्ता खिलंजिया जनगोष्ठी चाह जनजाति आदिवासी जनजाति अजनजातीय लोक संख्यालघु सम्प्रदाय सकलोके जी इनक्लूसिव जी पलिटिक्सर जी चिंता जो विभिन्न जाति जनगोष्ठ मजदूर समन्वय जी पोषकता थका आधार हिसाब से लार कथा उल्लेख कर कारण साम्प्रतिक समय राजनैतिक दल समूह जी मूल एजेंडा धर्मियों मेरुकरण साम्प्रदायिक मेरु विभाजन जुगेद भोट बैंकर एटवेश सृष्टि समाज जतियों जीवन जी समन्वय सही समन्वय भेटी थान बान कर जी चिंता चिंतक नायकिया समन्वयक आधार हिसाब लगे सुस्थ जतियत आधार जैसे राजनैतिक एक जत्रा संग्राम आगे जाए यह कथा परामर्शदाता समिति पोषकता क्षुद्र क्षुद्र जातिसत्तार अधिकार कथा उल्लेख कर तारे लगे शिशु महिला सकुए अधिकार और सुरक्षा जाते सुनिश्चित है ये कथा स्पष्ट रूप उल्लेख कर राजनैतिक दिखो सन्दर्भ जी कथा इतने कहते तक दायित्व अर्पण करलो भविष्य जैसे दल गठन कर दल गठन कर पीछे दलियों इश्तेहार प्रकाश कर दलियों कार्यक्रमणीता प्रकाश कर भविष्य दिन में राजनैतिक विकल्प एट दिशा आग बढ़ विषयबूर क्षेत्र चिंता कर गए आम सदम छात्र संथा अराजनैतिक चरित्र अक्षुण्ण राखि भविष्य दिन में आग बढ़ एक एजे वाई सी पीओ अराजनैतिक भावे आम विषयबूर आग बढ़ आसुर दरे ए जे वाई सी पी अराजनैतिक धारा अक्षुण्ण राख पुनपटिया राजनैतिक दल सामिल हम नो मंत्य पलाश सांगमार विकल्प शक्ति जड़ित हम अराजनैतिक चरित्र थी एट तृत्य राजनैतिक शक्तर प्रयोजन आए मंत्य कर तृत्य विकल्प राजनैतिक शक्ति प्रकृतार्थ जी जतियों समस्या आसार जब अमीमांसित समस्या आसे इमान दिले जब समस्या समाधान कर प्रतिश्रुति प्रदान कर
যিবিলাক রাজনৈতিক দলে অসমক বিশ্বাসঘাতকতা করলে এই রাজনৈতিক দল সমূহে কেতিয়াও এই যিবিলাক বিষয় এই বিষয়বিলাক সমাধান নকৰে আৰু সেই কাৰণে এটা তৃতীয় বিকল্প রাজনৈতিক শক্তির প্রয়োজন। গতিকে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদ বা সদৌ অসম ছাত্র সন্থার যিবিলাক ব্যক্তিয়ে আমি এই তৃতীয় বিকল্প রাজনৈতিক শক্তিটির লগত জড়িত হম এই সেই সময়ত নিশ্চিতভাবে আমি আমার যেটো অরাজনৈতিক চরিত্র সেই অরাজনৈতিক চরিত্র আমি অক্ষুণ্ণ রাখিম। অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদ বা সদৌ অসম ছাত্র সন্থায় আমি অন্তকরণে আমি কামনা করো যে যেবিলাক জাতীয়তাবাদী শক্তি আছো সেই জাতীয়তাবাদী শক্তি সমূহ বা আঞ্চলিকতাবাদী যেবিলাক আমি শক্তি এই শক্তি সমূহ বিভাজিত হয়ে বৃহৎ যেবিলাক রাষ্ট্রীয় শক্তি আর ইতিমধ্যে যেবিলাক শক্তিয়ে অসমক প্রতারণা করলে আমার আঞ্চলিক শক্তি বা যেবিলাক সাম্প্রদায়িক শক্তি ইতিমধ্যে শাসনত আছে সেই শক্তিসমূহক উৎখাত করবলে হলে নিশ্চিতভাবে আমি ঐক্যবদ্ধ হবই লাগিব। আমি সেই অন্তকরণে সেই কামনা করো। গতিকে এই কথা আমি পুনের কইছো আমার মাজত তেনে ধরনে কোনো আমি কেবলমাত্র একটা রাজনৈতিক শক্তি গড় দিবর কারণেই রাজনৈতিক শক্তি গড় দিবলে কেউ আমি হাত নাবাহু। প্রকৃতার্থতে এটা তৃতীয় বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি যি রাজনৈতিক শক্তিয়ে এই কেন্দ্র যি রাজনৈতিক শক্তিয়ে যেবিলাক রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক শক্তিক পরাভূত করব পাৰিব যি রাজনৈতিক শক্তি আমাক বিশ্বাসঘাতকতা করলে তাক পরাভূত করব পাৰিব যি রাজনৈতিক শক্তিয়ে কেবলমাত্র ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে এক সাম্প্রদায়িক বিষ্পাপ্য বিয়পাবলৈ চেষ্টা করে সেই রাজনৈতিক শক্তি পরাভূত করব পৰাকৈ এক বিকল্প রাজনৈতিক শক্তি নিশ্চিতভাবে অসমত প্রয়োজন আছে। সেই কথাটো অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদে আজি পুনৰবাৰ এই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে আমি আকৌ স্পষ্ট কৰিছো। সময়খিনি এটা চমু বাণিজ্যিক বিরতির। সূর্যা সিমেন্ট ব্যবহার করলে ঘর 50% অধিক মজবুত হয়। আপনার ঘর অটুট হলে হব অটুট অসম। সূর্যা সিমেন্ট, অটুট ঘর, অটুট অসম। কামিং আপ আগবাইছে আনমোল মারি প্লাস, সলনি করা জীবনের সোয়াদ। আগবঢ়ালে আনমোল মারি প্লাস, সলনি করা জীবনের সোয়াদ। নমস্কার, ইস বিশেষ বুলেটিন মে আপ সভি কা স্বাগত হ্যায়। মে হু জয়া সিনহা আর মেরে সাথ হ্যায় সোনু। আর শুরুআত করেঙ্গে ইস বক্ত কি সুর্খিয়ো কে সাথ। মস্কো মে ভারত আর চীন কে বিদেশ মন্ত্রিও কে বীচ হুই বার্তা। SCO सम्मेलन के इतर हुई इस द्विपक्षीय बातचीत में दोनों देश 5 बिंदुओं पर हुए सहमत। LAC पर गतिरोध को समाप्त करने और विश्वास बहाली के नए उपायों पर तेजी से काम करने पर बनी सहमति। प्रधानमंत्री आज 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा विषय पर आयोजित एक सम्मेलन को करेंगे संबोधित। शिक्षा पर्व के तहत शिक्षा मंत्रालय कर रहा है 2 दिवसीय ऑनलाइन कॉन्क्लेव का आयोजन। केंद्रीय सूचना तकनीक मंत्री रविशंकर प्रसाद आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यों के स्टार्टअप इकोसिस्टम की रैंकिंग का दूसरा संस्करण करेंगे जारी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी कार्यक्रम में रहेंगे उपस्थित। देश में कोरोना रिकवरी दर हुई 77.74%। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैपिड एंटीजन टेस्ट के द्वारा नेगेटिव आए सभी लक्षण वाले मरीजों का अनिवार्य रूप से RT-PCR जांच कराने के दिए निर्देश। दुनिया भर में संक्रमितों की संख्या 2,80,00,000 के पार। यूरोपीय संघ ने ब्रेग्जिट डील पर ब्रिटेन सरकार के एकतरफा फैसले की निंदा की। निर्णय को बताया समझौते और अंतर्राष्ट्रीय कानून का बेहद गंभीर उल्लंघन। EU ने ब्रिटेन के खिलाफ व्यापार प्रतिबंधों की भी दी धमकी। और खेल की खबरों में US ओपन में नाओमी ओसाका ने जेनिफर ब्रेडी को हराकर महिला एकल के फाइनल में जगह बनाई।
वहीं सेरेना और विक्टोरिया अजारेंका के बीच सेमीफाइनल में होगी भिड़ंत। और शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। लद्दाख में सीमा विवाद के बीच भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने मॉस्को में मुलाकात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी ने कल मॉस्को में चार महीने से पूर्वी लद्दाख में सीमा पर जारी गतिरोध और बढ़ते तनाव को लेकर बातचीत की। ये बैठक शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से इतर हुई। पिछले एक सप्ताह से भी कम वक्त में दोनों देशों के बीच ये दूसरी उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता है। इस वार्ता के दौरान दोनों देशों ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति जताई। दोनों मंत्री इस बात पर सहमत हुए कि दोनों पक्षों को भारत चीन संबंधों को विकसित करने को लेकर नेताओं की आम सहमति की श्रृंखला से मार्गदर्शन लेना चाहिए, साथ ही मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। दोनों देश विदेश मंत्रियों ने इस बात पर सहमति जताई कि सीमा क्षेत्र में वर्तमान परिस्थिति किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। वे इस बात पर सहमत हुए कि दोनों पक्षों के सीमा सैनिकों को अपना संवाद जारी रखना चाहिए और तनाव कम करने का त्वरित प्रयास करना चाहिए। दोनों मंत्री ने सहमति जताई कि दोनों पक्ष भारत चीन सीमा मामले को लेकर मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल का पालन करें, सीमा क्षेत्र में शांति बहाल हो और दोनों पक्ष ऐसी कार्रवाई से बचें जो तनाव को बढ़ा सकती है। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि तंत्र के माध्यम से संवाद और संचार जारी रखना चाहिए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र को भी अपनी बैठकें जारी रखनी चाहिए। दोनों मंत्रियों ने इस बात पर सहमति जताई कि जैसे ही स्थिति सामान्य होती है, दोनों पक्षों को सीमा क्षेत्रों में शांति बनाए रखने और इसे बढ़ाने के लिए नए आत्मविश्वास निर्माण उपायों पर तेजी से काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा विषय पर एक कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। शिक्षक पर्व के तहत शिक्षा मंत्रालय इस दो दिवसीय कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री इससे पहले 7 अगस्त को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में सुधारों पर कॉन्क्लेव और 7 सितंबर को शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन को संबोधित कर चुके हैं। कॉन्क्लेव के दौरान शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से जुड़े कुछ अहम पहलुओं पर विचार विमर्श हो रहा है। इस कॉन्क्लेव का आयोजन शिक्षक पर्व के तहत किया जा रहा है जो 8 से 25 सितंबर तक चल रहा है। शिक्षक पर्व के दौरान शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति और इसके क्रियान्वयन पर कई वेबिनार और वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन कर रहा है जिसमें विशेषज्ञ शिक्षा नीति के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। संयुक्त राष्ट्र के शांति की संस्कृति फोरम में चर्चा के दौरान भारत ने पाकिस्तान को अल्पसंख्यकों व महिलाओं से बर्ताव को लेकर खरी खरी सुनाई। इस मंच पर भारत ने कहा, हमने एक बार फिर यूएन के मंच पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हेट स्पीच को सुना। ये ऐसे वक्त पर हुआ है जब पाकिस्तान अपने देश में व अपनी सीमाओं पर लगातार हिंसा की संस्कृति अपनाए हुए है। भारत ने कहा कि मानवाधिकार को लेकर पाकिस्तान का दयनीय रिकॉर्ड और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए उसका बर्ताव अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ईश निंदा कानून इस्तेमाल यहां धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ होता है। साथ ही भारत द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान में महिलाओं व लड़कियों की स्थिति दयनीय है क्योंकि उनका अपहरण व दुष्कर्म किया जाता है उनके साथ। उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराकर शादी कराई जाती है। महामारी ने इसमें और इजाफा किया है। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के प्रोपेगेंडा पर भारत ने कहा कि ये पाकिस्तान के अपने मुद्दों से ध्यान भटकाने की साजिश है। साथ ही बयान में कहा गया कि भारत के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाने से पहले जहां सभी धर्मों को संविधान के अनुसार समान अधिकार दिए गए हैं, इससे पहले पाकिस्तानी प्रतिनिधियों को धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर अपने सिस्टम और रिकॉर्ड की तरफ जरूर देखना चाहिए। बयान में भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान सभी धर्मों, संस्कृति, नस्लीय समूहों के बीच बातचीत के महत्व पर जोर दिया। साथ ही गलत सूचना के अभियान से निपटने के लिए सहयोग के महत्व पर बल दिया।
केंद्रीय सूचना तकनीक मंत्री रविशंकर प्रसाद आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यों के स्टार्टअप इकोसिस्टम की रैंकिंग का दूसरा संस्करण जारी करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाले हैं। नीतिगत समर्थन, सुगम नियमन, इंक्यूबेशन केंद्र, शुरुआती वित्त पोषण और उद्यम वित्त पोषण सहित अन्य क्षेत्रों में प्रदर्शन के आधार पर यह रैंकिंग दी जाती है। स्टार्टअप रैंकिंग रूपरेखा का मकसद राज्यों, संघ शासित प्रदेशों को उनके स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर रैंकिंग देना है। इसके जरिए राज्य और संघ शासित प्रदेश एक दूसरे से सीखने और बेहतर व्यवहार को अपनाने को भी प्रोत्साहित होते हैं। रैंकिंग के पिछले 2018 के संस्करण में गुजरात का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा था। इसके अलावा कर्नाटक, केरल, उड़ीसा और राजस्थान ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था। संसद का मॉनसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेगा। कोरोना महामारी के दौरान इस बार संसद का मॉनसून सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि सभी सांसदों का आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाएगा। इसके साथ ही सांसदों के स्टाफ, संसद भवन के कर्मियों और पत्रकारों का भी टेस्ट होगा। संसद की कार्यवाही के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ऐसा पहली बार हो रहा है कि लोकसभा की कार्यवाही के दौरान लोकसभा सदस्य लोकसभा के अंदर दर्शक दीघा के साथ ही राज्यसभा में भी बैठेंगे, जबकि इसी तरह राज्यसभा के सदस्य भी सदन की कार्यवाही के दौरान लोकसभा चैंबर में बैठेंगे। लोकसभा के अंदर जो सभा कक्ष है, उस सभा कक्ष के अंदर नीचे का सभा कक्ष जिसमें 257 माननीय सदस्य बैठ पाएंगे, दर्शक दीर्घा के अंदर भी माननीय संसद सदस्य बैठेंगे, उसमें 172 सदस्य बैठेंगे और राज्यसभा के चेंबर में 60 और राज्यसभा की गैलरी के अंदर 51 में सदस्य होंगे। 14 सितंबर को लोकसभा 9 बजे से 1 बजे तक और बाकी 3 दिनों 3 बजे से 7 बजे तक चलेगी, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही 14 सितंबर के बाद 9 बजे से 1 बजे तक होगी। इस बार संसद में प्रश्नकाल नहीं होगा, हालांकि अंतरांकित प्रश्नों के जवाब सदन के पटल पर रखे जाएंगे। लोकसभा में शून्यकाल के लिए आधा घंटा निर्धारित किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उम्मीद जताई है कि सभी सांसदों का संसद सत्र के दौरान सहयोग मिलेगा। 14 सितंबर को सुबह 9 बजे से लोकसभा का सत्र शुरू होगा और 1 बजे तक चलेगा। 14 सितंबर के बाद लोकसभा का सत्र 3 बजे से चलकर शाम को 7 बजे तक चलेगा। अतारांकित प्रश्न सदन पटल पर रखे जाएंगे। शून्यकाल स्पेशल मेंशन आधे घंटे के लिए होगा। और भारत में कोरोना मरीजों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की बदौलत अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 34,71,000 के ऊपर हो गई है। देश में कोरोना से रिकवरी दर सुधरकर 77.74% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 72,939 मरीज ठीक हुए हैं, वहीं मृत्यु दर भी घटकर 1.68% हो गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि 9 सितंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 5,29,34,433 सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 11,29,756 सैंपल कल टेस्ट किए गए। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला दूरदर्शन न्यूज पर जारी रहेगा। फिलहाल के लिए मुझे और सोनू को दीजिए।